I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. यहाँ पे हो रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी, मेथी के पराठे चॉपर डिशवॉशर में धुल रहे, इसलिए मैंने नाइफ से ही सारी कटिंग चॉपिंग कर ली है। और आज थोड़े से अनियन भी डालूंगी, जिंजर। ये रहा हमारा गेहूं का आटा। आप लोग पूछ रहे थे मैं दही कैसे जमाती हूँ, तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी करूंगी आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। एक चम्मच दही ऐड कर रही हूँ, इससे पराठे सॉफ्ट बनते हैं। अजवाइन, नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा तेल। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ये आटा गूंद लूंगी मैं। पहले बिना पानी डाले एक बारी मिक्स कर रही हूँ। आटा बिल्कुल रेडी है और आप लोग किचन एड स्टैंड मिक्सर का लिंक पूछते हो तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है। और इसको 15 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। कोई भी आटा जब हम रेस्ट करने के लिए रखते हैं ना, तो ज्यादा अच्छे पराठे बनते हैं। थोड़ा सा घी लगाया है। आज मैं स्क्वायर पराठा बना रही हूँ, ट्रायंगल पराठा भी बना सकते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फटाफट से मैं ब्रेकफास्ट बना के बच्चों को खिला देती हूँ। अभी तो हॉलीडे रूटीन चालू हो गया है तो बिल्कुल ही अलग चल रहा है सब कुछ। बट एनीवेज, फिर मैं शेयर करूंगी आप लोगों से अमेजोन की शॉपिंग जो मैंने एक दो महीने से इकट्ठा की है। और कल बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आई है जिससे कि होली की मिठाई बनानी मेरे लिए थोड़ी ईजी हो जाएगी, तो वो भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और मैं वही सोच रही थी कि लास्ट ईयर होली के टाइम से ही ये कोरोना का जो भूत हम सबकी लाइफ में आ गया था और हम सबकी लाइफ बदल गई और अभी तक जाने का नाम नहीं ले रही है। एनीवेज, जो हो गया पिछले साल की बात वहीं पे छोड़ते हैं। इस साल होली में आप लोग क्या कर रहे हो, क्या क्या बना रहे हो, क्या क्या प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए, मुझे जरूर बताना। मैं भी सोच रही हूँ कि पहले से ही थोड़ी बहुत प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ। वैसे बहुत कुछ नहीं बनाने वाली हूँ मैं, बट फिर भी त्योहार में अगर त्योहार से रिलेटेड मिठाइयां ना बने तो फिर फीलिंग ही नहीं आती है ना। अच्छे से ब्राउन हो चुका है, अब इस पे घी लगा रही हूँ। गुड नो मॉर्निंग। हाँ, तेरी गुड मॉर्निंग तो हुई नहीं है। No talking, only eating. Ding 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 ding. Super favorite guy. Ding 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 ding. Chalo khao. इडली डोसा बैटर बनाने के लिए मैं चावल और दाल सोक कर रही हूँ। तो मैंने लिया है 3 कप इडली राइस। ये वाला इडली राइस हम इंडियन स्टोर से लेके आए थे, एक्चुअली ये ननाइमो का ही है, अभी भी चल रहा है। सो 3 कप राइस और 1 कप उरद दाल, ये स्प्लिट वाला है। अगर होल उरद दाल मिलता है ना तो वो और भी ज्यादा अच्छा है। 1 चम्मच मेथी सीड भी सोक करूंगी साथ में। मैंने बहुत सारे मेजरमेंट्स ट्राई किए हैं दाल और चावल के, 1:2, 3:1, 4:1, बट मेरे लिए ये 3:1 परफेक्टली वर्क करता है। और इसको पीसते टाइम मैं आधा कप पोहा ऐड कर देती हूँ। लाइक 10 मिनट्स के लिए पोहे को सोक कर लिया और फिर दाल चावल के साथ पीस लेती हूँ। या तो आप पोहा ऐड कर लो आधा कप, या फिर बॉइल्ड राइस भी यूज कर सकते हो, आधा कप बॉइल्ड राइस या फिर आधा कप पोहा। अभी अराउंड 12:00 हो रहे हैं तो मैं रात को इसको पीस के अवन में रख देती हूँ। अभी तो टेम्परेचर ठीक हो गया है तो मैं अवन को प्री हीट भी नहीं करती हूँ, लाइट भी नहीं जला के रखती हूँ, तो मेरा योगर्ट भी सेट हो जाता है और ये फर्मेंटेशन भी अच्छे से हो जाता है। इनकेस बहुत ज्यादा ठंड है आपके जगह पे तो आप अवन को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे गर्म कर लो, प्री हीट कर लो और फिर अवन को बंद कर दो और उसके 15-20 मिनट्स बाद आप बैटर को ओवरनाइट अवन के अंदर रख दो। सो बेसिकली उसको गर्म एनवायरमेंट चाहिए फर्मेंटेशन के लिए। बहुत लोग माइक्रोवेव में भी रखते हैं और अगर आपके पास इंस्टेंट पॉट है तो उसमें योगर्ट का ऑप्शन होता है, तो उसमें दही भी सेट होता है और ये बैटर भी रखने से फर्मेंटेशन हो जाता है। मैंने पर्सनली ट्राई नहीं किया है बट काफी लोगों ने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस कि परफेक्टली उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है।
आजकल ये नानक पनीर का बड़ा वाला पैक मिलने लगा है कॉस्को में, पहले नहीं मिलता था कॉस्को में, छोटा पैक मिलता था इंडियन स्टोर में, बड़ा वाला पैक नहीं मिलता था। तो हम कॉस्को से लेके आते हैं और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके जिपलॉक बैग में छोटे छोटे बैग्स बना लेते हैं, लाइक एक दिन का एक बैग टाइप्स, और फ्रीज कर देती हूँ। तो मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से कुछ किचन रिलेटेड चीजें, कुछ होम डेकोर, कुछ टी शर्ट्स। तो किचन रिलेटेड तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ, जैसे जैसे आया वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया था। जो लॉज का पैन मंगवाया था वो भी अमेजोन से ही था। और टी शर्ट्स आपको अगर याद हो, मैं ओल्ड नेवी जब शॉपिंग के लिए गई थी एनिवर्सरी टाइम पे, तो मैं मेनली टी शर्ट्स लेने गई थी समर्स के लिए। और मुझे ना कपड़ों का थोड़ा ऐसा नहीं है कि ब्रांडेड ही होना चाहिए कपड़ों का, मुझे लगता है कि ठीक है ठीक ठाक क्वालिटी हो, प्राइस रीजनेबल हो, क्योंकि मोस्टली घर एंड ऑल में ही पहनना होता है या फिर ग्रोसरी स्टोर टी शर्ट्स एंड ऑल, और समर्स तो कितने ही टाइप का होता है। बट मुझे ओल्ड नेवी में कुछ भी नहीं मिला था, तो मैंने सोचा कि चलो अमेजोन से ट्राई करती हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम अमेजोन से कपड़े मंगवाए, अदरवाइज तो होम डेकोर और किचन रिलेटेड चीज़ें तो मंगवाती रहती हूँ, बट कपड़े मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाया और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। तो चलिए टी शर्ट से ही स्टार्ट करते हैं। और ये सारा कुछ मैं इतने टाइम से ऑर्डर कर रही हूँ ना धीरे धीरे कि मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि किसका कितना प्राइस है। तो मैं सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। तो टी शर्ट से स्टार्ट करते, सिंपल वाले ग्राफिक टी शर्ट्स हैं। पहला ये पाइनएप्पल, बेस लाइट कलर का है और ऊपर से ये डार्क कलर का। बस इन सारे टी शर्ट्स को ना धोने का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसको मशीन वॉश लाइक वाटर वॉश तो कर सकते हैं, बट कोल्ड वाटर वॉश कर सकते हैं, और ड्राई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें लिखा हुआ है हैंग टू ड्राई। क्योंकि ये वाला जो प्रिंट होता है ना, ये रबरी टाइप्स मटेरियल, ये अगर वॉशिंग मशीन में करें ना क्लीन, तो ये ख़राब हो जाता है। इनफैक्ट एक अनुज का टी शर्ट था, शायद मैं ओल्ड नेवी से ही लेके आई थी, यही वाला मटेरियल था, वो ना कट गया मशीन में, मुझे समझ नहीं आया कि कैसे हुआ वो। तो यही है बस कि हैंड वॉश अगर करेंगे तो ज़्यादा दिन तक चलेगा। क्वालिटी अच्छी लगी मुझे, सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, सी थ्रू तो बिल्कुल नहीं है, मुझे सी थ्रू टी शर्ट्स बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है, सारे स्मॉल साइज ऑर्डर किए थे मैंने, और ना ज़्यादा लूज है ना ज़्यादा टाइट है, लाइक परफेक्ट है बिल्कुल। तो ये हो गया एक टी शर्ट। ये है नेक्स्ट, काफ़ी डार्क कलर में है, बी काइंड, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई काइंड होना। कलर मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, सेम है मटेरियल इसका भी अच्छा है, काफ़ी थिक मटेरियल है, और इसमें ऐसा सच कुछ नहीं लिखा हुआ है कि मशीन वॉश नहीं कर सकते, बट समहाउ मुझे लगता है कि अगर हैंड से ही वॉश किया जाए या सिंपली ड्राई किया जाए तो लाइफ थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी इनकी। नेक्स्ट है ये वाला, कलर अच्छा है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे ये कलर, बहुत टाइम से मैंने इस कलर का कुछ नहीं पहना है, और लिखा हुआ भी कितना अच्छा है, मेकिंग मैजिक हैपन, वो तो हम एवरी डे करते हैं ना। ये भी है, इसका भी मटेरियल काफी सॉफ्ट है, और हाँ ये और ये सेम कंपनी का है, तो इसमें भी वही लिखा हुआ है कि कोल्ड वाटर वॉश, हैंग टू ड्राई, और आयरन अंडर 100 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कुछ मंगवाऊं और उसमें येलो ना हो। और देखो क्या लिखा हुआ है, मॉम लाइफ। सही है ना, सिंपल सा है। इसका भी मटेरियल परफेक्ट है, अच्छा लगा मुझे, चारों टी शर्ट्स बहुत अच्छे लगे, कलर काफी डिफरेंट डिफरेंट है, डार्क कलर में है, और मटेरियल भी काफी अच्छा है। तो ये हो गए मेरे टी शर्ट्स। I used to stay up all night, trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace, to lead me out of darkness, give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me, yeah. You gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I ever. अब आते हैं थोड़े होम डेकोर। लिविंग रूम और डाइनिंग रूम को थोड़ा सा डिफरेंटली सजाने की तैयारी। ये है टेबल क्लॉथ, जो मैंने बोला था कि एक अच्छे क्वालिटी वाला टेबल क्लॉथ मंगवाया है मैंने, तो ये मुझे संभाल के यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती कि इतने प्यारे से टेबल क्लॉथ पे बच्चे मार्कर से कुछ मार्क कर दे। इसीलिए मैंने डॉलर स्टोर से वो प्लास्टिक वाला शीट लिया था, और मैंने जो अमेजोन से मंगवाया था, मैंने आप लोग को बोला कि उसमें बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी,
बहुत कोशिश की हमने, बाहर रखा, खुले में रखा, हवा में रखा, बट स्मेल जा ही नहीं रही है, तो वो तो हम यूज़ नहीं कर सकते. बहुत ज़्यादा स्मेल है. लाइक अनुज को तो स्मेल से वैसे ही बहुत प्रॉब्लम है, बट डॉलर स्टोर वाला मुझे सही लग रहा है. अभी मैंने मेजर करके नहीं देखा है, बट होपफुली मेजरमेंट भी सही आएगा. तो ये बिछा के ऊपर से प्रोटेक्शन शीट बिछाना ज़रूरी है, तो बहुत ही अच्छा है. और पता है अमेजोन में मैंने देखा इसी से मैचिंग ना कुशंस थे, क्योंकि बहुत सारे डाइनिंग टेबल के ऐसे चेयर होते हैं ना जिसके पीछे कुशंस भी रखते हैं, वो मैंने ऑर्डर नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि सोफा पे ही कुशंस बड़ी मुश्किल से रहते हैं, डाइनिंग टेबल के चेयर पे तो क्या ही कुशंस रहेंगे. तो अच्छा सा है, मटेरियल बहुत अच्छा है इसका, और इसी तरह का स्ट्राइप है इन तीनों कलर में, येल्लो, ग्रे और व्हाइट. प्योर व्हाइट नहीं है ये, हल्का सा ऑफ व्हाइट कलर है. नेक्स्ट मैंने कुछ कुशन कवर्स मंगवाए हैं, तो ये काइंड ऑफ बोहो स्टाइल है और सारे मैंने मैचिंग मैचिंग लिए हैं. और आप लोग को पता ही है कि लिविंग रूम में मोस्टली येल्लो का थीम है, कर्टन्स भी येल्लो हैं, तो उससे काफ़ी मैचिंग रहेगा. प्रॉपर येल्लो भी नहीं है बट थोड़ा मिक्स एंड मैच है. तो एक ये है, डिफरेंट साइज के कुशंस लिए मैंने, ये शायद 18x18 है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, आप लिंक चेक कर लेना. और इसी से मैचिंग मैंने ये वाले मंगवाए हैं, ये दो का सेट आया है और ये काफी बड़ा कुशन है. आई थिंक इसके लिए मुझे कुशन लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास जो सबसे बड़ा कुशन है ना वो ये है. ये मैं डाल के देख रही थी, वैसे तो आ गया है बट थोड़ा सा और बड़ा कुशन होगा ना तो ये अच्छे से फिट होगा. ये अभी थोड़ा सा लूज है, लाइक ये कॉर्नर्स थोड़े लूज हैं, और ये टैसल्स तभी अच्छे लगेंगे जब यहाँ पे अच्छे से फिटिंग आए कुशन की. तो ये है दो का सेट. एक्चुअली सोफा पे जब आप डिफरेंट साइज के कुशंस रखते हो ना तो लुक काफी अच्छा आता है. तो एक मुझे ऐसा ही बिग वाला चाहिए था, बट इसके कुशंस मुझे चेक करना, उस दिन मैंने वॉलमार्ट में तो चेक किया, वहां पे नहीं मिला था मुझे, आई थिंक अमेजोन से ही लेना पड़ेगा. नेक्स्ट सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट में है, बहुत अच्छा लगता है स्पेशली समर्स में ना. एक ये वाला प्रिंट है और एक ये है, बहुत ही सिंपल है बट कभी कभी सिंपल चीजें बहुत अच्छी लगती है. सेम इसमें ब्लैक कलर का टैसल है और क्वालिटी काफी अच्छी है. सबसे अच्छी बात है ना, इसका जिपर दिखता ही नहीं है, मुझे ना ढूंढना पड़ा कि जिपर भाई है कहाँ. तो आप किसी भी तरह फेस करके कुशन रख दो, जिपर का पता ही नहीं चलेगा, इतना छोटा सा इसका ये हुक है. और कुशन कवर से ही मैचिंग मैंने मंगवाया ये वाला थ्रो, बहुत ही ज्यादा प्यारा कलर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सोफा पे ना ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट कोजी कोजी थ्रो लेके बैठो. लाइक बैठने के चांसेस बड़े कम मिलते हैं बट जब भी बैठो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. और ये ना बहुत बिग साइज है, लाइक मैं अगर बेड पे भी ब्लैंकेट के ऊपर ये बिछाऊं ना बहुत अच्छा लगेगा, लाइक मैचिंग बेडशीट करके बहुत प्रिटी लगेगा. और इसको ना एज अ सोफा कवर भी बिछा सकते हैं. आपने देखा होगा मेरे पास बहुत सारे स्टोल है जिसको मैं एज अ सोफा कवर यूज करती हूँ. सोफा कवर है जो मैं इंडिया से लेके आई थी, बट कभी कभी चेंज के लिए आप अगर कोई थ्रो या फिर स्टोल बिछाते हो ना सोफा पे, लाइक सोफा के सीट पे या फिर बैक पे, बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगता है और थोड़ा चेंज भी आ जाता है क्योंकि स्टोल थ्रो ये सब तो होते ही है. तो डिफरेंट कलर्स में बिछाओ और थोड़ा सा मैच करके कुशन कवर्स लगाओ, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे. एक मैंने इसी तरह का यही सेम साइज का प्लेन व्हाइट मंगवाया है, ये मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी और ये इतने अच्छे बैग में आया है. ये वाला भी ऐसे ही बैग में आया था, जिपलॉक वाला बैग, काफी अच्छा है कि यूज नहीं कर रहे हो जब आप, तो अच्छे से इसको इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो. ये है प्लेन व्हाइट कलर का, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था. मुझे नहीं पता व्हाइट मंगवा के मैंने गलती कर दी या सही किया, मेरे प्यारे अनमोल रतन इस व्हाइट को व्हाइट रहने देंगे या नहीं, बट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा. तो कभी कभी के लिए या फिर बेड पे बिछाने के लिए बहुत अच्छा है. और इस पे भी सेम इसी तरह का ये ऐसे वाले है ना, बहुत अच्छा सेम है, दोनों सेम ही है और साइज भी दोनों का सेम ही है. हाँ जी, बॉक्स एक दूंगी बॉक्स, ठीक है, ओके. कल से मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि वाला बॉक्स चाहिए मुझे, ये इतने सारे इनके अपने बॉक्सेस है, वो नहीं चाहिए होता है. जैसे ही कोई नया बॉक्स आया नहीं, वो चाहिए टॉयज स्टोर करने के लिए. जैसे हमारे लिए किचन के मेसन जार्स कभी ज्यादा नहीं होते, हमेशा कम लगते ना, वैसे ही बच्चों को टॉय रखने के लिए जो डब्बे होते ना वो हमेशा ही कम लगते हैं. तो चलो सबसे इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ आपको. तो होली में गुजिया ना बने ये तो हो नहीं सकता, और आप लोग अगर बहुत टाइम से मेरे ब्लॉग्स देखते हो तो हर एक होली में मैं गुजिया बना ही लेती हूँ, बट बहुत टाइम लगता है उसको शेप करने का क्योंकि मास्टरी तो है नहीं, साल में एक बारी तो बनता है. तो मैंने ये मोल्ड मंगवाए हैं और इससे गुजिया ही नहीं काफ़ी कुछ बना सकते हैं, मोमोज बना सकते हैं और भी काफ़ी सारे स्नैक्स बना सकते हैं.
स्टेनलेस स्टील का है, प्लास्टिक वाला भी मिल रहा था बट मैंने सोचा चलो स्टेनलेस स्टील मंगवा लेते हैं, बहुत ज्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं था। तो ये इस तरह का है, काफी अच्छा साइज है, जिस साइज का हम बनाते हैं ना गुजिया एग्जैक्टली वही साइज है। और सबसे अच्छी बात है कि ये चार के सेट में आया है, तो दो बड़े हैं और दो दिखाओ कुछ दो छोटे। तो पहले ये हो गया राउंड कट करने के लिए, और फिर इसके ऊपर रखो, फिलिंग करो और ऐसे कर दो बस। अभी मैंने यूज नहीं किया, मुझे नहीं पता कि इसको करना इतना इजी है या फिर थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पता नहीं, मैं भी प्रैक्टिस से हो जाएगा। किसी के पास अगर है और आपने यूज किया तो मुझे जरूर बताना, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहो तो प्लीज। और मुझे यही अच्छा लगा कि चार है ना, तो हम सारे बैठ के बनाएंगे और बच्चे बना पाए या ना पाए इंजॉयमेंट होगा, अच्छा लगेगा। यहाँ पे तो वैसे भी फेस्टिवल के वैल्यूज इसी तरह से छोटी छोटी चीजें करके बच्चों को सिखानी पड़ती है कि यहाँ पे तो कुछ देखने को ऐसा कुछ मिलता नहीं है, ऐसा नहीं है सेलिब्रेशन नहीं होता। इनफैक्ट ननाइमो के अगर पुराने ब्लॉग्स आपने देखे होंगे तो हमने वहां होली भी मनाई है, दिवाली भी मनाई है, बट अभी तो सब कुछ बंद है और फेस्टिवल के टाइम पॉसिबल भी नहीं हो पाता कि इंडिया कभी जाया जाए कि इनको प्रॉपर वो फेस्टिवल्स दिखाया जाए, क्योंकि अब तो स्कूल्स एंड ऑल कभी क्लोज होते ही नहीं है फेस्टिवल के टाइम। आई जस्ट होप ये वर्क करे। वैसे फाइनली बनाने से पहले मैं एक दिन ऐसे ही रोटी के आटे को करके देख लूंगी कि ये परफेक्टली वर्क करता है कि नहीं। तो ये हो गया, ये चार का सेट है, दो बड़ा और दो छोटा। तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग, मुझे तो सबसे अच्छे लगे मेरे टी शर्ट्स और ये वाला स्टोल, कुशन कवर, सब कुछ अच्छा है यार। आप लोगों को सबसे अच्छा क्या लगा मुझे जरूर बताना, और सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, इन केस आप चेक करना चाहते हो तो वहां से चेक कर लेना। और मैं आपको बाहर का नजारा ना दिखाऊं ऐसा कैसे हो सकता है, आज भी सुबह से स्नोफॉल हो रही थी और अभी शायद दो दिन और होने वाली है। तो रोड पे तो सारा मेल्ट हो गया है क्योंकि टेम्परेचर पॉजिटिव में चला जाता है, बट ट्रीज फिर से ग्रीन एंड व्हाइट हो गए हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इंजॉय किया होगा मेरी अमेज़न की शॉपिंग। अगर अच्छी लग गई हो तो थम्स अप जरूर देना और हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज। बाय बाय। Fell in love with the way we are.